हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद एतिमल। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा महिलाओं की एक साथ दो भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। दोनों ही भर्तियों के नोटिफिकेशन को हम इस वीडियो में अच्छे से कवर कर लेंगे। क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, इसमें सैलरी यहां पर क्या रहने वाली है, आवेदन आप कैसे करेंगे, प्रोसेस क्या रहेगी, ठीक है। सबसे पहले आप ये जानिए, उम्र जो है यहाँ पर 21 से 40 वर्ष रहने वाली है दोनों ही भर्तियों में, ठीक है। तो अगर आप 21 से 40 वर्ष के बीच में आते हैं तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें। 10 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ किए जा रहे हैं इन दोनों ही भर्तियों के। उससे पहले यहाँ पर आप देखिए, कल का जो मैंने वीडियो बनाया था 36 स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट का, आप लोगों ने देखा, पसंद किया तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर एक स्टूडेंट का एक कमेंट आया था कि ये जो है फेक न्यूज है। पहली बात उस स्टूडेंट को मैं ये बताना चाहूंगी, कृपया करके जो है वो बच्चों को आप जो है उनके मार्ग से बिल्कुल भटकाने की कोशिश ना करें। यहाँ पर मेरे द्वारा जो भी आपको बताया जाता है, जो भी जॉब के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाती है, सभी की सभी या तो गवर्नमेंट होती हैं या प्राइवेट होती हैं, फेक जो है न्यूज नहीं दी जाती है। यहाँ पर जैसे मैंने इस वीडियो को बनाया तो यहाँ पर आप देख सकते हो गोविंद सहाय दीक्षित का जो है कमेंट भी आया है उसके लिए कि फेक नहीं है, मेरा फैमिली में लगा हुआ है एक टीचर इनमें, ठीक है। अब जो है इससे बड़ा प्रूफ जो है वो आपको क्या चाहिए कि इनकी जो है फैमिली मेंबर का एक जो व्यक्ति है, फैमिली मेंबर जो है वह यहाँ पर टीचर ऑलरेडी लगा हुआ है। मेरे द्वारा जो है हर चीज को जो है बहुत ध्यान से, जितना आप पढ़ाई में ध्यान लगाते हैं उतना ही जो है वो जॉब को सर्च करने में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में लग जाता है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ, कोई छोटी सी मिस्टेक जो है वह मेरे ऊपर और आपके ऊपर दोनों के ऊपर ही भारी पड़ सकती है। तो चलिए आज के वीडियो की डिटेल हम जानते हैं। तो देखिए, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की मेन साइट पर हम लोग आ गए हैं। सबसे पहले भर्ती का जो विज्ञापन जारी हुआ है उसे हम देख लेते हैं। 6/7/2023 को ये विज्ञापन जारी हुआ, संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023। कुल यहाँ पर 258 पदों पर ये भर्ती होगी। इसे जो है ANM कहा जाता है, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1865 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र के 193 पद हैं, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करना होगा आपको। ये पूरा प्रोसेस जो है वो मैंने इसलिए हाईलाइट कर लिया है, कई बार बच्चों को जो है ऑनलाइन करना नहीं आता है, ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्या वेतन यहाँ पर मांगा गया है, आपकी शैक्षणिक योग्यता जो है वह क्या रहेगी। तो वेतन जो आपको मिलेगा वह 13,150 रुपये प्रति माह आपको वेतन मिलेगा। क्वालिफिकेशन मांगी गई है 10th पास होना चाहिए आपको, साथ में ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी ट्रेनिंग के साथ, हेल्थ वर्कर और फीमेल कोर्स अगर आपने पास कर रखा है 10th के साथ में तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और साथ में एक और चीज़ कही गई है यहाँ पर कि रजिस्टर्ड इन राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग एज बी ग्रेड नर्स, ठीक है। तो ये जो है वो आपकी शैक्षणिक योग्यता है। और यहाँ पर नोट में भी एक चीज़ लिख दी गई है कि आवेदन की जो है वो अंतिम तिथि से पहले तक जो है अर्जित करना आपकी क्वालिफिकेशन अनिवार्य है। आयु की अगर हम बात करें तो दोनों ही भर्तियों के विज्ञापन में जो आयु जो है 21 वर्ष न्यूनतम है और 40 वर्ष अधिकतम है, ठीक है। इसके अलावा जो है आयु में छूट भी दी गई है, सामान्य वर्ग की जो महिला है उसको 5 वर्ष की छूट है, SC ST कैटेगरी और बाकी जो बैकवर्ड क्लासेस है इनको 10 वर्ष की छूट दी गई है, और एक्स सर्विस मैन जो है इनकी उम्र जो है वो 50 वर्ष है, और विधवा और विच्छिन्न विवाह महिलाओं की जो है यहाँ पर कोई भी आयु सीमा नहीं है, कितनी भी उम्र की हो वो फॉर्म भर सकती हैं। परीक्षा शुल्क जो है जमा कराने और ऑनलाइन आवेदन की जो अवधि है, तो यहाँ पर समय जो है वो आपके पास कितना मिलेगा, आपको 10 जुलाई से आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों ही भर्तियों में सेम है, और 8 अगस्त 2023 को जो है यहाँ पर आवेदन आपके पूरे हो जाएंगे, यहाँ तक आपको जो है वो भर लेना है 10 जुलाई से 8 अगस्त तक। परीक्षा आयोजन जो है वो आपका 24 सितंबर पहले से ही डेट जो है वो डिसाइड हो चुकी है। इस भर्ती में अगर फीस की हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी जो है उसकी जो फीस है वह 600 रुपये है, वहीं SC ST कैटेगरी है, पिछड़ा वर्ग है, EWS है, उसकी 400 रुपये है, और दिव्यांगजन की भी 400 रुपये है। नेक्स्ट जो भर्ती है उसका विज्ञापन भी जो है आप देख सकते हो 6 जुलाई को ही ये आया है, संविदा नर्स भर्ती। तो यहाँ पर कितने पद हैं, 1588 जो हैं वो पद हैं, 1400 जो है गैर अनुसूचित क्षेत्र के हैं और 188 पद अनुसूचित क्षेत्र के हैं। तो यहाँ पर भी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया वही रहेगी जो कि हम अंत में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी 600 रुपये जो है सामान्य वर्ग के जो है फीस लगेगी और 400 रुपये SC ST और 400 ही लगेगी दिव्यांगजन की।
अब हम नर्स भर्ती में जो है वो वेतनमान यानी सैलरी आपको क्या मिलेगी, तो 18,900 रुपये यहाँ आपको प्रति माह मानदेय होगा, हर महीने आपको इतनी सैलरी दी जाएगी। क्वालिफिकेशन GNM कोर्स कर रखा हो आपने, और इसके अलावा एक और ऑप्शन है, या फिर इट्स इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किया गया कोई इंस्टीट्यूट है, वहां पर आपने इसके जैसे ही कोई क्वालिफिकेशन अगर कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में रजिस्ट्रेशन इन राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ भी शैक्षिक योग्यता आवेदन की अंतिम तिथि से पहले जो है वो अर्जित करना अनिवार्य है, यानी आपके हाथ में मार्कशीट जो है वो होनी चाहिए आवेदन की अंतिम तिथि तक। संविदा नर्स भर्ती में अगर उम्र की बात करें तो उम्र यहाँ पर भी मैंने आपको पहले ही बता दी है, फिर भी मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें जो है वो जरूर दिखाती हूँ। और आयु सीमा में छूट जो है वो उसी तरीके से आपको मिलेगी जैसा जो है पिछले विज्ञापन में हमने देखा था। 10 जुलाई स्टार्ट है आवेदन और 8 अगस्त तक ये चलने वाले हैं। तो परीक्षा का जो आयोजन है वो कब होगा, तो परीक्षा का आयोजन जो है वो 24 सितंबर को होगा। अब देखिए यहाँ पर संविदा नर्स पदों के भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम दिया हुआ है, ऑफलाइन में होगा दोनों भर्तियों के ही, यानी कि राजस्थान नर्स संविदा भर्ती जो है यह भी ऑफलाइन मोड में होगी, और साथ में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संविदा भर्ती वह भी ऑफलाइन मोड में होगी। यहाँ पर जो समय है वो 1.5 घंटा रहेगा आपका, प्रश्नों की संख्या जो है वो 100 रहेगी, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी। परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो कैसे आप आवेदन जो है वो करोगे, फटाफट से जो है यहाँ आप देख लें। सबसे पहले तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए SSO पोर्टल पर, यदि आपका है तो ठीक है, यदि नहीं है तो सबसे पहले आप वो करेंगे। उसके बाद जैसे ही जो है आपने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो आपने कर रखा है, उस पर लॉगिन करने के बाद जो है रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी जो है वो अप्लाई नाउ पर क्लिक करेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा OTR एक बार पंजीयन शुल्क जमा नहीं, यानी पहले अगर आपने नहीं करवा रखा है, तो अभ्यर्थी सबसे पहले OTR टैब पर अपनी जो कैटेगरी है उसका विवरण जो है वो दर्ज करके शुल्क का भुगतान करेगा। ऑनलाइन आवेदन के अभ्यर्थी को जो है OTR के समय भरी गई कैटेगरी और स्थिति गृह राज्य के अनुरूप ही ऑप्शन भरने हेतु मिलेंगे, अतः अभ्यर्थी OTR यानी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सावधानी पूर्वक भरेंगे। OTR प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अभ्यर्थी SSO के माध्यम से आवेदन कर सकेगा। सारी सूचनाएं जो है वो अभ्यर्थी को सावधानी पूर्वक भरनी होगी, और उसके बाद जैसे ही आप भर लेते हैं और आवेदन पत्र का जो है वो प्रिंट जो है वो अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। तो ये मैंने फटाफट से जो है वो पढ़ लिया है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग जो है आवेदन करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।